गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं आया हूँ बोकारो के गोविंद मार्केट प्लेस में और यहाँ की इडली जो है वो काफी फेमस है और ये अगर फेमस नहीं तो ये फेमस करना आपका काम है बिकॉज यहाँ पे जो इडली बनती है बोकारो की बहुत प्रसिद्ध रेस्टोरेंट से बहुत ही अच्छा बनती है और भैया बना रहे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इट्स जस्ट ए शॉर्ट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। आप यहाँ पे देखो कि भैया क्या मटेरियल डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं। ये आ गई इसमें इडली और आपको 15 में 2 इडली मिल जाता है कुछ इस प्रकार से कटिंग्स। ये आप इनके क्रिएटिविटीज के लिए देख सकते हैं। प्याज मसाले सब कुछ है जैसा कि आप दुकान का नाम देख रहे हैं। मेरे ख्याल से आपका नाम मुन्ना है ना भैया? हाँ, इनका नाम मुन्ना है जैसा कि आप इनके स्टॉल्स में भी देख सकते हैं, मतलब जो भी चौकी पर लगा हुआ उसमें। और कुछ इस प्रकार से इडली आ गई इसमें। अब आएंगे इसमें चटनी देखिए और बस आप क्रिएटिविटी देखते जाना इसमें क्या क्रिएटिविटी करते हैं। इसके बाद इसमें वो चटनी डालेंगे इतना तो हर कुछ हर बार हम लोग देखते हैं कि हमें इडली में पूछा जाता है बट इसके बाद जो आएगा ये और थोड़ा मजेदार हो जाता है। इसमें आती है नींबू ताकि इसमें थोड़ा सा और टेस्ट बढ़ जाएगा इस। और बाकी नमक और मसाले और एक और अच्छी बात क्या है पता है कि यहाँ पे आपको पत्तों में भी आपको इडली दी जाती है जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आपको गुल्लक में चाय पीने का मजा आता है वैसे पत्तों में खाने में मजा आता है। आपको एक चम्मच भी जाती है ताकि आप इसमें से जो आपको मटेरियल्स दी जा रही है लिक्विड उसको आप खा सके पी सके। तो यहाँ आना ना भूले गाइस एक बार फिर। ये जगह है गोविंद मार्केट के मेन चौक में, बोकारो रेलवे स्टेशन के जस्ट ही करीब में है ये प्लेस। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। छोटा सा वीडियो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए। भैया को थोड़ा सा फेमस कीजिए क्योंकि ये रेस्टोरेंट बड़े से रेस्टोरेंट में नहीं, रोड के किनारे ऐसे ठेलों में ऐसे अपने मोटरसाइकिल्स में बेचते हैं। जो काम करना चाहते हैं गैज उसके लिए कोई भी बहाना सही नहीं होता है, उनके लिए सब कुछ एक्सक्यूज ये सब बेकार की चीजें होती है। इनके क्रिएटिविटी इनके काम में देख सकते हैं आप। चलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर।